हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के दिन की और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे 11:30 बजे, और काफ़ी लेट हो चुका है आज, क्योंकि आज का दिन भी मेरा मॉर्निंग जो थी काफ़ी व्यस्त रही थी। एक दो कुछ गरीब लोग थे, वो लोग आ गए थे, परेशान हो रखे थे, उनके ऊपर कर दिया था केस उनके जवाई ने उनकी लड़की के ऊपर, और वो बेचारे अनपढ़ होने के कारण कुछ कर नहीं पाए। लेटर भी उन्होंने ऐसा लिखा था कि क्या बताऊं। तो यार गाइस, तो अभी इसके रिगार्डिंग मैंने उनको बुलाया है अभी कोर्ट पे 1 बजे। तो और मैं हो चुका हूँ तैयार कोर्ट जाने के लिए, और देखो मेरा पेट तो देख रहे हो, पेट बहुत बाहर आ गया मेरा। और फिर अभी जा रहे हैं नीरज मेरे लिए एक गिलास पानी, और फिर मैं जा रहा हूँ डीजे कोर्ट, जजी कोर्ट हमारे। ओ बेटा, अभी अब थोड़ा टफ पड़ेगा, बारिश आ गई है। बारिश मेरे पीछे देखो, बारिश ने कर दिया है भिगाने की शुरुआत। बारिश आ गई, ये देखो दिख रही होगी आपको बारिश, कुछ कुछ बूंदे। और नीरज ले आया पानी। अबे गिलास ऐसी अभी नहीं लिया था तू, बाय गॉड कितना ठंडा है, बर्फ वाला, बर्फ वाला, हाँ बहुत ठंडा। मैं तुझे दिखा के लाता हूँ। चलो ठीक है, मुझे भी दिखा दे। ये भाई ये बारिश आ गई, बारिश आ गई। बुग्गो ओ बोलू पीगो पीगो, बंद कर दो भैया। ये है हमारा सीवीएम दंडालय हल्द्वानी कोर्ट, और बाहर सभी लोग बाहर भी गाड़ी लगाए थे, और जैसे मैं बाइक से आया तो मैं बाइक बाहर ही लगा दी, क्योंकि अंदर गाड़ियां फंस जाती हैं, और बकाया लोग सब लोग गाड़ियां अंदर लेके आते हैं कोर्ट की तरफ को। तो गाइस मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि खाली अजीब सा लगता है। फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये है हमारा कोर्ट, और ये हूँ मैं बस। जा रहे हैं अभी थोड़ा सा नहीं जा रहे थे आश्रम में, राजी महाराज आश्रम लेकर बना दे, तो मैं निकल गया बाइक से, हूँ तो मैं जल्दी से निकल गया था। तो गाइस आ चुके हैं हम नंदी महाराज आश्रम के गेट पर, और ये देखें ये है नंदी महाराज का आश्रम का गेट, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो गाइस अनुराग और मैं निकल गए हैं थोड़ा घूमने के लिए, अनुराग बाइक चला रहा है और मुझे अब पीछे बैठने का मौका मिला है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आश्रम से,
थोड़ा सा अपनी गौशाला को तरफ को, जहाँ हमारी गौशाला बन रही है उधर के लिए बाइक से। और आज हमारे सारथी के रूप में छोटे भाई अनुराग शास्त्री जी का हमें सानिध्य मिल रहा है। आज इन्हीं के उसमें हम लोग जाएंगे और जल्दी देखो इनके बराबर मेरी ड्यूटियाँ भी हो जाएगी। तो मिलते हैं, चलो हाँ भाई। और हम लोग इधर से उधर भागते रह गए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला से फिर से घर की तरफ को। और ये पूरा रास्ते का नज़ारा। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपने आश्रम रंतिन महाराज सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में, और शायद चल रही है हमारे महादेव की आरती। तो अगर मोबाइल अलाउड होगा तो हम लोग आपको आरती भी दिखाएंगे ब्लॉग में, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और लास्ट तक का। यं त्यागसमुचितमिदं न तव शिवे कुपुत्रो वचिनापि कुमाता न भव तस्मे योगी पूज्या गुरुवे नान्ति ने नमः। माया मातमिदं सुरते ब्राह्मणे सह समापश्यति सर्वत्र गुरुवे श्रीनन्दिने नमः। इस रास्ते में बुराई ये है कि यहाँ पे सब लोग अपनी मरे हुए जानवर फेंक जा रहे हैं। अच्छा ही है कि पूरे जंगल से भरा हुआ है और पूरी ठंडक देता है ये रास्ता। सकून आता है, पूरा इधर टेंशन वगैरह खत्म हो जाता है। टेंशन बस बदबू जाता है कि सब जानवर यहीं फेंके जा रहे हैं गांव के लोग। पता नहीं कब सुधरेगा हमारा देश, कब समझेगा। हमारी गौशाला खुल जाएगी तो इस जगह को हम लोग CCTV कैमरे से कैप्चर करने की सोच रहे हैं। देखिए अब क्या क्या सहूलत मिलती है। अभी तक तो हमारी गौशाला ही नहीं बन पाई है। तो धीमे धीमे देखिए क्या क्या होता है। कल भी मैंने कहा था, आपको बताया था कि हमारा जो आदि श्रीधाम हवाई ट्रस्ट का जो पेज था इंस्टाग्राम पेज, वो हमारा किसी लोगों ने मतलब हैक कर लिया था। हमने उन पर बहुत विश्वास किया था, उन लोगों ने उसका पेज हमारा नाम चेंज करके ID सब चेंज कर दी थी। तो बड़ी मुश्किलों से कल दोबारा पेज हमारे पास आया और अब हम लोग बहुत खुश हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी विजिट करिएगा इंस्टाग्राम में, आदि श्रीधाम हमारी गौशाला का पेज है। उसमें से हमारी सभी वीडियोस डिलीट हुई है मोस्टली, पर फिर भी अभी उसमें है। फॉलोअर्स भी बहुत कम हो गए हैं, उन्होंने हमारा सब काम खराब कर दिया। पर गाइस आप लोग गौशाला के लिए गौ भक्ति से जो भी जुड़े हुए थे कुछ इंस्टाग्राम आईडी को भी विजिट करिएगा प्लीज़। चलिए तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जय गौ माता की, जय गोपाल, और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय। मिलते हैं नए ब्लॉग में कल को नए दिन के साथ। बाय बाय। रात के हम 9 बजे 10 बजे पहुंच रहे हैं घर भैया, देख रहे हो। रात के 10 बज गए, पूरा घर अब पहुंच रहा हूं मैं। जल्दी से ड्रेस करता हूं चेंज और फिर खाना खा के सो जाता हूं।